हाय गाइस, वेलकम टू गार्डनिंग बाय संचित। आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ कहती कि भाई तू बहुत अनरोमांटिक आदमी है, बड़ा बोरिंग आदमी है। मैंने कहा कैसे? कहती वो फलाना देख हस्बैंड उसका, उसको गुलाब देता है, रोज़ फूल ला के देता है। सो आई टुक दैट फीडबैक एंड नाउ आई हैव गिवन हर अ फुल ट्री ऑफ रोजेस, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा बहन, मैं रोज़ तो तोड़ के ला नहीं सकता, ये तेरे लिए इतना बड़ा पौधा लगा दिया, इससे कुछ तोड़ लिया कर। जस्ट किडिंग गाइस, मजाक कर रहा हूँ मैं। आज का वीडियो होने वाला है हमारे रोज प्लांट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ब्लूमिंग सीजन चल रहा है और इस पर कितने सुंदर सुर्ख लाल रंग के गुलाब आए हैं, जो दिखने में इतने सुंदर लग रहे हैं। अभी मेरी मॉम ने आरती पूजा के लिए इसपे से 4-5 फूल तोड़ लिए हैं, नहीं तो आपको ये और भी लदा हुआ दिखता फूलों से। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, ये एक दूसरा गुलाब का पौधा भी है मेरे पास। ये देसी गुलाब है। इनमें फ़र्क यही होता है कि इसकी जो गुलाब की शेप है वो डिफरेंट होती है उस वाले गुलाब से। दैट्स कॉल्ड इंग्लिश रोज़। वो आपका गुलाब वो है जो मोस्टली आपको बुकेज में लगा हुआ मिलता है। उसकी थोड़ी शेप जो है वो एलोंगेटेड शेप होती है और उसके बीच में जो स्पायरल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं उसके पेटल्स। इसके पेटल्स जो है वो ज़्यादा खिले हुए होते हैं और नंबर्स में कम होते हैं। इसकी महक ज़्यादा होती है, उसकी महक नहीं होती है एक्चुअली उस वाले गुलाब की, बट वो दिखने में एस्थेटिकली थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो गुलाब है आपको कहाँ से मिल सकता है पहले ये बताते हैं आपको। ये वाला गुलाब मेरे पास आया था मेरे फ्रेंड से, उसके पास सेम प्लांट था। मैंने उसकी कलम काट के उसको प्रॉपगेट करके 6 कलमें लगाई थी, जिसमें से 2 सक्सेसफुल हुई जिन पर कलियाँ फूटी। उसके बाद दोनों मैंने लगाई जिसमें से एक ये सर्वाइव करी। और आप जो है ये वाला गुलाब, अगर आपके पास कोई फ्रेंड ऐसा नहीं है जिससे कलम ले सकें, तो आप इसको नर्सरी से ले सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है ये। सो अब बात करेंगे कि इस गुलाब के पौधे के ऊपर इतने सारे फल फूल कैसे ला सकते हैं। उसके लिए कुछ एक स्टेप्स हैं छोटे छोटे जो आपको फॉलो करने हैं टाइमली। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रूनिंग, इसकी ट्रिमिंग करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर आइए क्लोजली, तो आप देखेंगे मैंने इसकी यहाँ से ट्रिम कर रखी है और मैंने इसको नीचे से ट्रिम करते करते यहाँ से देखेंगे आप तो इसका स्टेम बहुत बड़ा हो गया और नीचे से सारी मैंने इसकी ब्रांचेस ट्रिम कर दी। उसके फायदे ये रहते हैं कि एक तो पौधा हाइट में बढ़ता है और ये डेंस होता है, फोलियज बढ़ती है, और इसकी एनर्जी जो है ना वो यूजलेस ब्रांचेस में वेस्ट नहीं होती और बल्कि उसकी फूलों की ब्लूमिंग में यूज होती है। ये इसका फायदा है। आपको प्रूनिंग करनी कब है उसका सही टाइम रहता है अगस्त टू सेप्टेम्बर, जस्ट बारिशें जब खत्म हो जाती है। तो उसके लिए आपने देखना है कि जितने भी ऐसी ब्रांचेज हैं, जैसे कि आप ये देखिए जिनके ऊपर अभी फूल आकर खत्म हो चुका है, उसको आपने यहाँ से ट्रिम कर देना है इस जगह से, क्योंकि इस पे कांटे भी होते हैं, बहुत ध्यान से यहाँ से आपने ट्रिम कर देना है। उससे जो हमारे पौधे की न्यूट्रिशन इसको बढ़ाने में वेस्ट हो रही है वो फूलों पर और यूजफुल नई ब्रांचेस को निकालने में यूज होगी। सो नेक्स्ट पार्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए इसके आपने जब ट्रिमिंग कर दी तो पौधे को शॉक लगता है थोड़ा सा, उसके लिए इसको फिर भरपूर खाने की जरूरत होती है। तो उस केस में आपने ऐसा करना है कि जैसे ये इसका स्टेम है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके अराउंड ऐसे 6-8 इंच का एक गड्ढा बना लीजिए ऐसे। और उसके बाद ये बेस्ट प्रोडक्ट रहता है न्यूट्रिशन के लिए, सड़े हुए गोबर की खाद। ये आपको वैसे तो नर्सरी से भी मिल जाएगी, बट आई प्रेफर के अगर आपके घर के आसपास कोई गौशाला है तो वहाँ से ले आइए, फ्री में मिल जाती है। मेरे घर के पास ही गौशाला है, मैं वहाँ सेवा करने जाता हूँ कभी कभी, तो वहाँ से मैं एक बकेट भर के इसकी ले आता हूँ और मैं इसमें इसको मैं अपने पौधों में यूज़ करता हूँ। ऐसे ही आपको इसके स्टेम के आसपास, मैं आपको डेमो के लिए ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, बाकी क्योंकि ये पार्ट हो चुका है सेप्टेम्बर अक्टूबर में, तो आपको ऐसे कवर कर देना है। एक आपको इतने बड़े पौधे के लिए आपको 2-3 किलो गोबर की खाद डालनी है और साथ ही में इसके 3-4 चम्मच बोन मील के डाल के उसके बाद इसको अच्छे से पानी लगा देना है और छोड़ देना है। ये पार्ट आपको सेप्टेम्बर अक्टूबर में कर देना है। सो गाइज, नेक्स्ट स्टेप इन द केयर ऑफ रोजेज, मल्चिंग। अब मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग ऐसे करते हैं हम कि जब सर्दी का पाला पड़ता है बहुत ज़्यादा, दिसंबर जनवरी 2-2.5 महीने बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो हमें गुलाब के पौधे को सर्दी के शौक से बचाना पड़ता है। उसके लिए मल्चिंग जो है वो बेस्ट प्रोसेस रहती है। मल्चिंग के लिए आपको सूखे पत्ते लेने हैं ऐसे,
आपके घर के आसपास कोई बड़ा पेड़ हो उसके पत्ते जरूर झड़ेंगे, और या कोई पार्क है तो आप वहां से भी बकेट भर के ला सकते हैं, नर्सरी से भी ला सकते हैं, आराम से मिल जाती है। तो आपको ऐसे पौधे पत्ते जो है सूखे हुए वो भारी मात्रा में पौधे के अराउंड ऐसे सारे बिछा देने हैं। इसके मेन बेनिफिट्स ये रहते हैं कि एक तो इससे सॉइल इरोजन नहीं होती, सॉइल का मॉइस्चर बना रहता है, और ये जो है सॉइल को टेम्परेचर शॉक से बचाती है। सॉइल का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेटर रहता है, और पौधे को एकदम से ठंड का शॉक नहीं लगता, और ये जितना भी फंगस के अटैक है उससे भी बचाती है। और साइड पे जो वीड्स उगती हैं इसके अंदर उनको भी जगह नहीं मिलती उगने की, तो वीड के अटैक से भी बचाता है। आप इसको आगे फर्दर गुडाई करके मैन्योर की तरह यूज भी कर सकते हैं। तो ये होती है मल्चिंग। सो गाइज, नेक्स्ट थिंग इज के देसी फुटाव को जो है हमें रोकना होता है, और अगर देसी फुटाव हो जाता है तो उसको काट देना होता है, क्योंकि अगेन वो पौधे की न्यूट्रिशन ले लेता है, और पौधा जो है वो जरूरी कामों पे अपनी एनर्जी नहीं लगा पाता, बल्कि देसी फुटाव पर उसकी एनर्जी वेस्ट होती है। मैं इसको वीड ही मानता हूँ। अब मेरे उस वाले रोज पर जो है देसी फुटाव मैंने रहने नहीं दिया, मैंने ट्रिम कर दिया टाइमली, लेकिन जो ये वाला मेरा दूसरा वेराइटी का रोज है इसके ऊपर देसी फुटाव है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मोस्टली वो उसके बिल्कुल स्टेम से उगता हुआ मिलेगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल नीचे से उग रहा है। ये वीड ही माने आप इसको, ये इसका कोई यूज नहीं है, इसके ऊपर फूल भी नहीं आते, ये खाली जो है वो पौधे का पोषण खींचता है, एनर्जी वेस्ट कराता है और कुछ नहीं। तो इसको यहाँ से पकड़ के अच्छे से टहनी को ऐसे एकदम एकदम आपको जड़ से ट्रिम कर देना है, एक क्लिपर लेके उसको क्लिप कर देना ऐसे, और इसको फेंक देना है। इसकी कलम भी मत बनाइएगा, क्योंकि इसकी कलम भी नहीं बनेगी, इसमें कभी फूल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, इट्स जस्ट अ वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट। तो अब आपको मैं डिफरेंशिएशन बताता हूँ कि कैसे करते हैं डिफरेंशिएट कि कौन सा देसी फुटाव है और कौन सा असली पौधा है। जब भी हम प्लांट लगाते हैं वो ग्राफ्ट से लगाते हैं, तो आप नज़दीक आइए देखेंगे कि ये जो है ये हमारा ग्राफ्ट है। अब ये वाला जो ग्राफ्ट ग्राफ्ट वाला जो एरिया है इसके नीचे से जितनी भी डंडियां निकल रही हैं ये सब देसी फुटाव है। जैसे ये वाली है इसको भी हमने क्लिप कर देना है ऐसे। ये जो ग्राफ्ट वाला हमारा पोर्शन है इसके नीचे जितने भी डंडियां निकलेंगी ये सब पुराने वाले ग्राफ्ट के पौधे के क्या कहते हैं रिमेन्स हैं या कुछ भी कह लीजिए, तो वो देसी फुटाव नीचे से होगा बिल्कुल। आपको इसको ट्रिम करते रहना है, ये जस्ट जो है वो पौधे की एनर्जी सोक करता है और कुछ भी इसका काम नहीं है। सो लास्ट के दो स्टेप्स रह गए हैं, अब हमें जो करने हैं वो हमको करने हैं समर आने से जस्ट पहले, फेब्रवरी एंड या मार्च बिगिनिंग में। वो है एक तो हमें इसको फंगस के अटैक से बचाना है, उसके लिए आप कोई भी फंजीसाइड यूज कर सकते हैं, आपको इजिली जो सीड स्टोर होता है उससे मिल जाएगा बाजार से। अगर आप ऑर्गेनिक यूज करना चाहते हैं तो उसमें आप नीम ऑयल यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है, और एलोवेरा जेल का मिक्सचर है वो आप एज अ फंजीसाइड यूज कर सकते हैं। इसके नीचे एक खड्डा बनाकर उसमें एक एक मग जो होता है अराउंड 700 ml का इसका मिक्सचर आपने उसमें डाल देना है, दैट इज अनफ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ द फंगस। बट नॉट द लीस्ट इज लिक्विड टॉनिक। लिक्विड टॉनिक आपने दो चीज़ों से बनाना है। बनाना कैसे है मैं वो आपको बताता हूँ। जो भी आप घर में प्याज वगैरह छीलते हैं, अनियन पील्स, उनको बचा के रख लीजिए। जो बनाना यूज करते हैं उनकी बनाना पील्स बचा के रख लीजिए। बनाना पील्स को पीसेस में काट दीजिए छोटे छोटे, और अनियन पील्स को भी आप काट दीजिए छोटे छोटे पीसेस में, और उनको पानी के अंदर एक जार में अच्छे से बंद करके धूप में रख दीजिए। आफ्टर 15 days यू कैन फिल्टर दैट, और जो लिक्विड बचेगा वो आपका लिक्विड टॉनिक है, वो आपने इसकी जड़ों में ब्लूमिंग सीजन से पहले डाल देना है। दैट इज द लास्ट स्टेप इन इट्स न्यूट्रिशन, और इसको उस सीजन के लिए बाकी और किसी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। यही सारे स्टेप्स थे जो आपको फॉलो करने हैं एक सीजन में इसकी ब्लूमिंग के लिए। इसकी जो ब्लूमिंग है वो साइक्लिक चलती है, एक बार इसके जो है फूल आते हैं, फिर फूल मुरझाते हैं, फिर जैसे जिस डंडी से फूल मुरझाता जाए आप उसको प्रूनिंग करते जाइए, प्रूनिंग करते जाइए, जब फूल आने बंद हो जाए तो यही वाले स्टेप्स सारे फॉलो कीजिए, और नेक्स्ट सीजन के लिए आपका गुलाब का पौधा फूल देने के लिए तैयार हो जाए। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। धूप बहुत तेज लग रही है मुंह पे, मैंने शॉर्ट में जितना हो सकता था आपको बताने की कोशिश की है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप किसी पर्टिकुलर पौधे के बारे में या टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही हमें फीडबैक देते जाइए, प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।